First of all, beta, today we start the topic with the different terms used in sports and game. First of all is technique. Usually we are using this word technique, but what does it means? Technique kya hoti hai? What is style? Next is what is style, what is skill and load. These terms are mostly involved in sports and games. ठीक है, हर चीज में हर काम को करने के लिए एक डिफरेंट टेक्निक होती है, डिफरेंट स्टाइल्स होता है. एंड लास्ट वन इज दिस लोडिंग, दैट इज द मेन पार्ट. जो आपने ये स्किल्स टेक्निक स्टाइल करनी है उसको ट्रेनिंग में आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जो मेन होता है दैट इज अ लोडिंग. टूडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टर्म दैट इज टेक्निक. टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, टेक्निक इन्वॉल्व्स साइंटिफिक एंड इकोनॉमिकली मेथड्स टू एग्जीक्यूट एनी मोटर स्किल. आपकी गेम की कोई भी मोटर स्किल्स होती हैं जो भी, ठीक है, उसको हमने साइंटिफिकली एंड इकोनॉमिकली एग्जीक्यूट करना है, दैट इज द टेक्निक. ठीक है, कोई भी टास्क है, कोई भी आपने वर्कआउट करना है, कोई भी आपने एक्टिविटीज को करना है, उसके लिए सम नॉर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्निक, कि हाउ यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. वो साइंटिफिकली बेस्ड होती है, इकोनॉमिकली बेस्ड होती है. ठीक है, उसी को हम आप यू कैन से इन स्पोर्ट्स हम बोलते हैं कि दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स. जो मोटर स्किल्स जो आपकी होती है, सिंगल मोटर प्रोसीजर टू डू एनी टास्क, टू डू एनी वर्क. आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, सपोज आपने ड्राइव करना है किसी चीज को, ठीक है, पुश करना है, तो देयर इज अ डिफरेंट टेक्निक्स हाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट, हाउ यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. जो आपने मोटर टास्क है उसको करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, तो वो आपकी एक टेक्निक होती है कि आपने इस एक्टिविटी को कैसे करना है, इस स्किल को कैसे करना है. वो जो टेक्निक होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करता है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल. आपको एक मोटर स्किल बता दी गई है कि आपने किसी वर्कआउट को, किसी प्रोसीजर को कैसे करना है, ठीक है, उसको हम टेक्निक्स बोलते हैं. एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एक्टिविटीज, एनी मोटर स्किल्स इन साइंटिफिकली एंड इकोनॉमिकली, वो आपकी टेक्निक होती है. और हर गेम की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. विदाउट टेक्निक्स आपने कोई गेम नहीं देखी होगी. कोई भी अगर आप गेम खेलते हो, वहां पे अगर आपने कवर ड्राइव मारना है, किक करना है, हिट करना है, किसी को पुश करना है, ड्रिवल करना है, कोई भी गेम आप खेल लो, वहां पे हर गेम की उन्होंने टेक्निक बनाई है कि हाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, आपको टेक्निक का बता देते हैं. जब हम ट्रेनिंग करने जाते हैं, कोचिज सबसे पहले हमको क्या बताते हैं, व्हेन एवर वी स्टार्ट एनी गेम एनी एक्टिविटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे पहले उस गेम की टेक्निक में क्या बताया जाता है, हाउ यू हैव टू टेक स्टांस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए व्हाइल यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर स्किल एक्टिविटी. कोई टेक्निक आपने करनी है, अगर बॉल को हिट करना है तो आपका इम्पैक्ट कहाँ पे होना चाहिए बॉल का, आपका बॉडी वेट कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, आपने होल्ड कैसे करना है, आपका जो गेम है उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इफ यू आर प्लेइंग हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, रैकेट, फुटबॉल, एनी गेम यू आर प्लेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू हैव टू होल्ड. अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपने बैट को कैसे होल्ड करना है, सिंपल है. हॉकी खेलते हो, आपने हॉकी स्टिक को कैसे होल्ड करना है. और जो आपकी टेक्निक्स है होल्डिंग की, उससे बेटा एग्जीक्यूशन का पता लग जाते हैं. आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. इफ यू आर होल्डिंग एनी क्रिकेट का बैट है, अगर हम होल्ड करते हैं उसको बॉटम से, ठीक है, तो व्हाट हैपन, अगर आप बैट को बॉटम से पकड़ते हो तो दैट ग्रिप इज वेरी गुड फॉर किसके लिए, हुक, पुल, अगर आप नीचे से बैट को पकड़ते हो.
ठीक है, वो ये टेक्निक होती है। ऑटोमेटिकली जो राइट हैंड आपका डोमिनेट करेगा, आप जब भी शॉट खेलोगे ऐसे हुक पुल, वो एयर में आप खेल रहे हो शॉट को, ठीक है, आप उसको पुल कर रहे हो, तो जितने भी आपके शॉट्स होते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, अगर आपने बैट का ग्रिप क्रिकेट का बिल्कुल टॉप से ऊपर से पकड़ा है तो दैट ग्रिप इज वेरी गुड फॉर लॉफ्टी शॉट। जो अगर आप लॉफ्टी शॉट मारते हो, जिसको हम बोलते हैं आगे फ्रंट में एयर में जब हम बॉल को खेलते हैं, दैट इज लॉफ्टी शॉट्स, ठीक है। तो ये ग्रिप पे आपका आधी गेम डिपेंड करती है। अगर बॉटम हैंड से पकड़ रहे हो आप, अगर आपने रैकेट को राउंड ग्रिप पकड़ा है ऐसे, जो जिसको हम बोलते हैं राउंड ग्रिप, देन इट इज डिफिकल्ट टू टेक द बैक हैंड। तो ऑलवेज वी प्रेफर कि वी हैव टू वी शेप आवर थंब एंड फिंगर। ये आपको मैंने आगे भी बताया कि जब भी आपने कोई ग्रिप पकड़ना होता है तो आपका जो क्या होना चाहिए, थंब का और इंडेक्स फिंगर, इसकी वी शेप बनी होती है, ठीक है। उससे आपको इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू टू एग्जीक्यूट योर स्किल्स, योर टेक्निक्स, दैट इज अ मेन थिंग। ग्रिप पे आधी गेम होती है आपकी। आपने कोई भी अगर गेम करनी है, योर ग्रिप, योर पोजीशन ऑफ होल्डिंग दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, दैट इज द मे। आपने अगर राउंड को ग्रिप को पकड़ लिया किसी भी गेम में, टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, जितने भी रैकेट्स गेम है, तो आप ये फोर हैंड खेल रहे हो, बैक हैंड खेल रहे हो, देन इट इज विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। इफ यू आर होल्डिंग एनी इक्विपमेंट इन ए प्रॉपर एंड राइट वे, जिसको हम टेक्निक बोलते हैं, राइट टेक्निक, देन उसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब इसमें नेक्स्ट आप आ जाते हैं हम स्टाइल पे बेटा। स्टाइल क्या होता है? आपको हमने कोई चीज सिखा दी है कि हाउ यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर मोटर स्किल इन सिंगल मूवमेंट, ठीक है। अब आपने वो एक्टिविटी की है, आप उस एक्टिविटी को अपने हर इंडिविजुअल जो वर्ल्ड में बेटा, वो आपका बॉडी स्ट्रक्चर उसका, ठीक है, उसका हाइट लेंथ बॉडी स्ट्रक्चर वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो जब उस टेक्निक को करते हैं, उसको उसकी जो उसका वो एक अपना स्टाइल बन जाता है। अगर आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो टेक्निक को, वो आपका अपना स्टाइल है, वो आपकी लुक देखने में कुछ और लगेगी, ठीक है। अगर एक कोई टॉल पर्सन उसी एक्टिविटी को कर रहा है, वो उसका डिफरेंट लुक आएगा। आप जब उस एक्टिविटी उस टेक्निक को आप करते हो, तो जो आपका करने का तरीका, दैट इज योर ओन स्टाइल, इट इज ए इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। कि आपने उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो, आप मोटर स्किल को परफॉर्म कर रहे हो आप अपने स्टाइल में, दैट इज योर ओन स्टाइल। अब इसमें थर्ड आ जाता है बेटा स्किल। स्किल क्या होती है? स्किल इज अ कैपेसिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन टू लर्न टेक्निक। जो आपने टेक्निक हमने आपको बताई है, उसको आपने लर्न करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, दैट इज योर स्किल। और स्किल आप टेक्निक को उसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो। यू हैव सीन सम ऑफ द प्लेयर्स, दे आर इम्प्रोवाइजिंग दैट पर्टिकुलर स्किल टेक्निक, ठीक है। स्किल क्या होती है? आपने उस टेक्निक को कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट इज योर इंडिविजुअल कैपेसिटी। आपने उस मोटर स्किल को ऑटोमेटिक तरीके से कैसे करना है, जिसको हम लेटेस्ट आजकल बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। आपने किसी टेक्निक को इम्प्रोवाइज कर दिया है, वो आपकी एक स्किल होगी। इसके बाद बेटा आपका लास्ट वन आ जाता है, ये लोड, ठीक है। लोडिंग क्या होती है? किसी भी ट्रेनिंग में लोड का बहुत ज्यादा मेन रोल होता है। लोड इज नोन एज वर्क और एक्सरसाइज दैट अ स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म इन ट्रेनिंग, ठीक है। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो जो वर्कआउट हम करते हैं उसको हम लोड बोलते हैं। और ये लोडिंग क्या होती है? सिंपल लोड होता है, लोडिंग होगी, क्रेस्ट लोडिंग होगी है, ठीक है, देन ओवरलोड हो गया। इट डिपेंड्स अपॉन टू इंडिविजुअल। आपको जो लोडिंग, जब तक आप लोडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करेंगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्क करना, डे बाय डे वी हैव टू इंक्रीज। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमने कैसे जाना है? आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने ट्रेनिंग की है, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड?
If you are not doing that particular activities regularly, ठीक है, अगर आप regular काम नहीं कर रहे हो और उसको daily basis पे नहीं कर रहे हो, then there is no use. तो loading का आपके life में बहुत ज्यादा training में एक main role होता है. ये basic चीज है आपकी training methods की. इसमें last one topic बेटा हमारा आता है this doping, जो आपका लास्ट टॉपिक इसमें है. व्हाट इज डोपिंग इन स्पोर्ट्स? यू हैव सीन मेनी प्लेयर्स, दे आर बैंड फॉर द लाइफ टाइम टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स. दैट इज द ओनली रीजन ड्यू टू द डोपिंग. नाउअडेज इट इज यूज बाय द एथलीट्स टू इनहांस देयर परफॉर्मेंस टू गिव बेस्ट रिजल्ट. They are taking this, they are doing doping. Doping means the substance that was banned by the, that is banned by the W, World Anti-Doping Agency, WADA. Okay, there is a one word that means World Anti-Doping Agency. Okay, uska main ye kaam hota hai. WADA. ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. द मेन रोल ऑफ दिस एजेंसीज टू कंट्रोल ऑल द कॉम्पिटिशन अंडर द फेयर मीन्स. जितने भी आपके वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन होते हैं वहां पे वो टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द कंपटीशन कर सकते हैं. प्रेयर टू द कंपटीशन, आफ्टर द कंपटीशन, वो डिफरेंट टेस्ट करती है ये एजेंसी एंटी डोपिंग, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज. तो इनका बेटा बहुत ज्यादा रोल है आज के, आप अभी नहीं 1960s के बाद. ठीक है, ये लोगों ने देखा कि क्या कर रहे हैं एथलीट, वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए दे आर टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, दोज हु आर बैंड बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज. वो जब टेस्ट करते हैं अगर उसमें कोई पॉजिटिव प्लेयर्स पाया जाता है, दे बैन दैट पर्टिकुलर प्लेयर थ्रू आउट द लाइफ. और आपके ओलंपिक्स में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिन्होंने बच्चों ने लिए हैं, एथलीट ने लिए हैं, उनको उन्होंने लाइफ टाइम बैन कर दिए. दे आर बैन बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज फॉर लाइफ टाइम. इन सम ऑफ द केसेस वो क्या करते हैं कि उनको 2 years का बैन कर दिया, 4 years का बैन कर दिया. ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन द कॉन्सिक्वेंसिस. जो उन्होंने इंटेंशनली किया है कि बाय मिस्टेक हुआ है. ये समटाइम क्या होता है, कोचिस अपने ट्रेनिस को क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अपनी, अपने प्राइज के लिए, अपने आप कह लो बेनिफिट के लिए, वो उनको वो ड्रग्स दे देते हैं. तो उसमें भी वो क्या होता है, उसमें वो इंटेंशन देखी जाती है कि आपने कैसे इसको, आप यू आर इंडल्ज इन दिस एक्टिविटीज या किसी ने आपको दे दिया, बट इट इज टोटली बैन. ये आपको पता होना चाहिए. ये 1960 के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज ने इस पे बहुत ज्यादा वर्कआउट किया. उन्होंने हर प्लेयर्स को जहां पे डाउट लगता है, जहां कोई ड्रास्टिक एकदम से परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कोई कर रहा है, आपने देखा होगा कि एकदम से किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ गई है, अगर उनको डाउट होता है, ठीक है, उनको लगता है कि ये लग रहा है कहीं डोपिंग का है, तो वो उस प्लेयर को, उस एथलीट को कभी भी चेक कर सकते हैं और कोई भी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है, नॉट अ सिंगल पर्सन. जितनी भी आपकी एसोसिएशंस होती हैं कंट्री की, उनको अपने प्लेयर्स को, एथलीट्स को एनी टाइम, अगर जब भी उनकी जरूरत पड़ती है टेस्ट के लिए, वो उनको भेजना पड़ता है. अदरवाइज क्या होता है, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग टेस्ट है, इनका काम ही यही है कि अनफेयर जो मीन्स हैं वो प्लेयर्स जो यूज कर रहे हैं उनको हमने रोकना है, सो दैट तो आपका जो कंपटीशन है वो स्मूथली चले. अब इसमें फर्दर बेटा क्या होता है, जो डोपिंग के जो वेज है, डिफरेंट वेज, ये आपको डिफरेंट, आपको एक पता होना चाहिए कि डोपिंग मींस
the substance that drugs those who are banned by the इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक कमिटीज की जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग टेस्ट है जिन्होंने वो चीजें बंद की है बैन की भी है. समटाइम दे आर टेकिंग हर्ब्स. बहुत से ऐसे प्लेयर्स हुए जो चाइना के वो कहते हैं जी हमने आयुर्वेदिक है हमने हर्बल मेडिसिन ली है. बट जो उनका इम्पैक्ट होता है जो चीजें इन्होंने बैन की है देर इज अ फुल लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग्स. इवन यू कांट टेक एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन दोज हु आर बैंड बाय दैट पर्टिकुलर एजेंसीज. आप वो भी नहीं ले सकते हो. अगर आप वो भी लेते हो आपको कोल्ड हो गया आपने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली है आफ्टर दैट अगर ड्रग्स आपका टेस्ट होता है पॉजिटिव होते हो तो वो बैंड होगा एथलीट टोटली. देर इज नो एक्सक्यूज. दे हैव गिवन द प्रॉपर लिस्ट. दे हैव प्रिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर रूल्स दैट मेड बाय दिस ओलंपिक कमेटी. आपने वो चीजें यूज नहीं करनी है इनकेस कोई भी आपको केस आपको कोल्ड हो गया फीवर हो गया वो आप मेडिसिन यूज नहीं कर सकते हो. इसमें बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग्स का जो क्लासिफिकेशन है इसको हम फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं. ठीक है. एक होता है आपका फार्माकोलॉजिकल डोपिंग. ठीक है. सेकंड होता है फिजिकल जिसको फिजियोलॉजिकल भी हम बोलते हैं. जो मेन आपके फाइव ड्रग्स आते हैं इसमें दैट इज used by international level, national levels. और आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ. ठीक है. What happened in state level, in national level, there is a very very less test regarding this doping. आपका अगर डिस्ट्रिक्ट का कोई टूर्नामेंट होता है ठीक है. अगर आपका कोई स्टेट का टूर्नामेंट होता है वहां पे ये फैसिलिटीज अभी इतनी नहीं है इंडिया में बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली. आप छोटे लेवल पे इसको टेस्ट नहीं करा सकते हो. तो व्हाट हैपन इन स्मॉल कॉम्पिटिशन नाउअडेज एथलीट दे आर टेकिंग दिस ड्रग्स एंड इट इज वेरी हार्मफुल. इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं लेटर स्टेज में. अभी नहीं पता लगता एथलीट को या स्पोर्ट्स पर्सन को जिनको नॉलेज नहीं है ठीक है. बट लेटर ऑन इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं और वो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता लगता है. किसी की वॉइस चेंज होगी है हेयर ड्रॉ हो गए हार्ट जितने ऑर्गेन्स हैं आपके वो डैमेज कर सकते हैं. अगर आपने स्ट्रॉन्ग डोज किसी ने ले लिया है दैट पर्टिकुलर बैंड ड्रग्स का दैट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन. तो इसमें फार्माकोलॉजिकल डोपिंग में देयर इज अ सेवरल डिफरेंट टाइप्स की आपको ड्रग्स हैं जो टोटली बैंड है इसमें. ठीक है. तो इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टिमुलेंट्स. ठीक है. ये आपके स्टिमुलेंट्स ये दीज आर द सम केमिकल्स जिसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे. ठीक है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है. इसके खाने से क्या होता है आपको जो फीलिंग होती है जब भी सिंपल है बेटा एक आप कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहे हो स्पोर्ट्स की वहां पे आपको मेन क्या होता है एक स्ट्रेंथ की बहुत आपको होता है कि हमको बहुत एक्स्ट्रा मसल्स में पावर हो टायर्डनेस फील ना हो व्हेन एवर वी आर डूइंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी. तो आप में स्ट्रेंथ रेस्टलेस बिल्कुल ना फटीक ना हो और आप इंजरीज को भी सेव कर सकते हो अपने को. तो उसके लिए ये डिफरेंट जो ड्रग्स हैं ये डिफरेंट स्टेजेस पे काम करती हैं और इन्हीं का जो आपका इम्पैक्ट है उसी को देखते हुए डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन वो जैसे आपका स्ट्रेंथ है जिसको जो स्ट्रेंथ वाली गेम है वो स्ट्रेंथ वाली चीज लेगा. ठीक है. समटाइम्स यू हैव टू रिड्यूस योर वेट देयर इज अ डिफरेंट ड्रग्स जिससे आपका वेट रिड्यूस होता है. तो ये सारी चीजें उन्होंने बनाई है और इसी को एक आप यूज कर सकते हो एज ए मेडिसिन तौर पे ट्रीटमेंट के लिए किसी का. बट इसी का साइड इफेक्ट आप इसका मिसयूज भी करते हो व्हाइल यू आर गिविंग योर फिजिकल परफॉर्मेंस. अगर आप जहां पे अपने आपने फिजिकल एक्टिविटीज करनी है उसके लिए आप इसको यूज करते हो तो इससे क्या होता है इंक्रीज इन द अलर्टनेस और रिएक्शन टाइम कम होता है इससे.
ठीक है, इससे आपका जो रेस्टलेस है, जो इस ड्रग से रेस्टलेस होती है, जैसे हम कोई वर्कआउट करते हैं तो हम फील करते हैं बहुत थकावट हो गई है, फटीक हो गई है, तो वो इससे नहीं होती। इसमें जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द फीलिंग ऑफ अलर्टनेस, वो ज्यादा होती है। ये डिफरेंट, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जब हम ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में आप यूज करते हो, तो वहां पे जो भी आपको थकावट हो रही है, आप रेस्टलेस फील करते हो, वो चीजें आपको नहीं लगेगी अगर आप इसको यूज करते हो। इसको हम यूज डिफरेंट वेज में करते हैं, जैसे आप कॉफीन, कॉफी हो गई है, ये भी एक स्टिमुलेट करता है। आपने देखा होगा अगर कहीं कोल्ड प्लेसेस में बोलते हैं ना लोग, कॉफी पी लो जी, ठंड नहीं लगेगी, तो वो ये डिफरेंट, इसी को अगर आप दूसरे एडवांस स्टेजेस में पियोगे, जैसे ये जितने कफ सिर्फ सिरप्स होते हैं, मसल जेल्स होती है, ठीक है, ये कहाँ आपको इन्वॉल्व करती है, यू हैव सीन समटाइम द प्लेस दे आर रबिंग द, दे आर मसाजिंग द डिफरेंट जेल्स ऑन देयर मसल्स। खासकर अगर आपने देखा होगा जो स्प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, उस उनमें मसल क्रैम्प एकदम हो जाता है। आपने एकदम वार्म अप हुए और रनिंग कर दी है, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, फ्यू मीटर्स, मसल क्रैम, मसल पुल। तो यू हैव सीन सम ऑफ देम, दे आर यूजिंग दैट टाइप ऑफ जेल, ठीक है, उससे क्या होता है, वो मसल्स को जल्दी क्विक वार्म अप कर देता है उसको, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब आपका मसल्स प्रॉपर वार्म अप हो गया, देन देयर इज अ चांसेस ऑफ इंजरीज आर वेरी लेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का तो आपने स्टेरॉइड का नाम सुना होगा, ठीक है, ये मेन आपका ड्रग्स है जो एथलीट यूज करता है, एंडोरेंस, स्पीड, मसल की रिकवरी के लिए, ठीक है, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, जितने भी आपके स्ट्रेंथ वाली गेम है वहां पर ये स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आपने अपने मसल्स का साइज, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ अगर यूज करना है, उसको एनलार्ज करना है, उसमें आप एकदम से, उसमें आपने देखा होगा सम टाइम जितने भी आपके वर्ल्ड में जब भी ये प्लेयर्स जाते हैं हर कंट्री से, उनके टेस्ट होते हैं, ठीक है। नाउ डेज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। आपको पता है कि जब भी कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर इन्वॉल्व होता है इस केस में, तो देर इज डायरेक्टली उनको बड़ी वो एक पनिशमेंट देते हैं। अगर आपको सपोज 3 इयर्स भी उसको बैन हमने लगा दिया है, 2 इयर्स का बैन लगा दिया है, तो व्हाट हैपन इफ यू आर नॉट प्लेइंग योर गेम फॉर 2 इयर्स, 3 इयर्स, वो प्लेयर वैसे ही खत्म हो जाता है। 4 इयर्स का किसी को अगर आपने बैन कर दिया है, तो व्हाट हैपन, उसका कैरियर ऑटोमेटिकली फिनिश। तो नोबॉडी जान के, कोई नहीं चाहता कि मैं भी इन्वॉल्व हूं, बट समटाइम क्या होता है, एक आपको ये होता है कि नहीं, अगर मेरा ओलंपिक में मेडल आ गया, मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आ जाता है, तो मुझको क्या होगा, मुझको इतना अवार्ड मिलेगा, हर चीज मिलती है, तो वो एक माइंड में कभी आ जाता है, या कोचिज के आ गया, समटाइम दे डू दिस। और ऐसा नहीं है कि हर ओलंपिक्स में कोई ना कोई ऐसे केसेस जरूर आते हैं जहां पे दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, बट अल्टीमेटली एंड द लास्ट व्हाट हैपन्ड, दैट स्पोर्ट्स पर्सन या उनका जो स्टाफ है, ठीक है, जो स्टाफ मीन्स उनके जो आपके स्पोर्टिंग स्टाफ होता है, कोचिज हैं, ट्रेनर्स हैं, वो सबको बैन कर देते हैं। तो नाउडेज स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑल द स्पोर्टिंग स्टाफ वो थोड़ा सा अवॉइड करता है कि हम लोग ये चीजें, इस चीजों में ना जाए, अदरवाइज थ्रू आउट वैसे भी कैरियर खत्म है, और जितने आपको प्राइज मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, वो सारे वापस ले लेते हैं वो, यू हैव टू रिटर्न दैट ऑल ऑल रिवार्ड्स। इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मेन क्या है कि मसल्स का साइज, स्ट्रेंथ, ठीक है, इससे सारा आप उसको स्ट्रेंथनिंग करते हैं, दैट इज स्टेरॉइड्स। इसी में नेक्स्ट आ जाता है बेटा नार्कोटिक्स। आपने सुना होगा नार्कोटिक डिपार्टमेंट, यू हैव सीन सो मैनी टाइम्स वेन एवर देयर केसेस ऑफ ड्रग्स इन फिल्म इंडस्ट्री, यू हैव सीन नार्कोटिक डिपार्टमेंट, दे रेडिड दैट पर्टिकुलर एरिया। अभी रिसेंटली आपका
कितने केसेस ऐसे हो गए, कितनी इन्वॉल्वमेंट वहां पे है फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइंस एंड ऑल दैट बिग बिग नेम आर देयर. तो दैट ऑल डील जो आपकी करती है दैट इज अ एंटी ड्रग नारकोटिक डिपार्टमेंट्स. ठीक है, नारकोटिक डिपार्टमेंट्स. इसमें ये क्या होता है, पीपल स्लो एंड स्लीपी, दे आर गुड पेन किलर्स. ये आपके ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपको पेन होने के बावजूद भी आप उसको वर्कआउट कर सकते हो. दे आर वेरी गुड पेन किलर्स. जब आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, जब आपकी हार्ड ट्रेनिंग चलती है, जब आपको वर्कआउट, जब आपका लोड बहुत हाई पीक लेवल पे होते हैं, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ टॉप लेवल, तो वहां पे आपकी बॉडी में टायर्डनेस बहुत ज्यादा होती है, आपको फटीग होगी, क्योंकि जो आपका वर्कआउट होता है, जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ही हाई लेवल का होता है. दैट इज व्हाट हैपन, उसको आप प्लेस क्या होता है, हर आदमी के माइंड में ये होता है कि कल मैंने दोबारा ट्रेनिंग करनी है, कल फिर मेरा मैच है, तो मैं उसको और इम्प्रूव कैसे करूं, और अच्छा कैसे करूं, ठीक है, बेटर रिजल्ट कैसे लेके आने. तो फॉर दैट दे हैव अ लिटिल बिट इन योर माइंड कि अगर मैं ये चीज ले लेता हूं तो इससे क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में भी अच्छा हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी आ जाएगी. तो वो एक कई बार आदमी का एक ध्यान उधर चला जाता है. Then they use that this type of drugs in trainings. आप जितनी hard training कर रहे हो, you feel fresh, आप restless लगते हो, ठीक है, आप उस activity को proper कर रहे हो. But जो आगे भी लोग बैठे होते हैं वो भी अपने जो world में records बनते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो भी देखते हैं, जो उस पर एक monitor करते हैं कि आज इतना ज़्यादा change performance में कैसे आ गया. तो if they have a doubt, they can call that particular sports person for testing them. तो ये जितना आपके narcotic department है इसमें वो samples लेते हैं, blood samples लेते हैं, और जो blood में जो आपका, ये नहीं कि आज आपने किसी ने drugs ली है कोई भी, ठीक है, वो आपको 1 week to it will remain 2-3 months in blood. If any person is taking this type of drugs, तो वो आपके ब्लड में कई महीने तक रहती हैं. इसी से वो चेक करते हैं कि आपने, यू आर एडिक्ट. आपने देखा होगा जितने हाई प्रोफाइल केसेस में वो पहले ये देखते हैं कि वो एडिक्ट है, वो कब से ले रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें टेस्ट में आ जाती है कि दैट पर्सन इज एडिक्ट है या कभी कभी लेता है, वो सारा चीजें उसमें सारी रिपोर्ट आ जाती है. तो इसके बाद आपका आता है बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स एक ऐसी ड्रग्स होती हैं बेटा जो हार्ट रेट को रिड्यूस करती है, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करती है, स्ट्रेस को कम करती है. ये देखो आप, ये सारे ड्रग्स किस हिसाब से बने. अब ये ड्रग्स कोई बीटा ब्लॉकर्स लेता है उससे क्या होता है, सपोज यू आर गोइंग फॉर अ शूटिंग, आपकी जो गेम शूटिंग है या आर्चरी है, उसमें क्या होता है, जो हम शिवरिंग जिसको बोलते हैं, व्हेन यू आर टारगेटिंग, आपने वहीं किसी भी टारगेट को हिट करना होता है, तो वहां पे अगर आप हल्का सा भी आपका हैंड हिल, बॉडी या हैंड हिल गया, व्हाट हैपन, यू आर अवे फ्रॉम द टारगेट. तो वहां पे ये यूज करते हैं मोस्टली शूटिंग, आर्चरी, ठीक है, साइकिलिंग हो गया, मोटर रेसिंग हो गया, साइकिलिंग नहीं, मोटर रेसिंग. वहां पे आपको क्या होगा, उसमें आपको शिवरिंग नहीं होगी, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा बनेगी. सेम ड्यूरेटिक्स होते हैं, ठीक है, ड्यूरेटिक्स में क्या है कि आपने अपना बॉडी वेट को कैसे लेस करना है. आपकी जितनी भी वेट कैटेगरीज के, जितने भी आपके वेट के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे आपने जुडो ले लिया, ठीक है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेयर देयर इज अ वेट कैटेगरीज,
जिस गेम में वेट कैटेगरीज होती हैं वहां पे ये क्या करते हैं प्लेयर्स, आपने अपने वेट को रिड्यूस करना है. सपोज यू आर प्लेइंग इन द कैटेगरी ऑफ 75, तो यू वांट यू विल बी इन अ 70 and 74. अगर आपने 70 से नीचे लेके जाना है तो ये जो आपके ड्रग्स हैं वो आपके बॉडी को वेट को रिड्यूस करती हैं. आपके जितना भी बॉडी में वाटर है उसको रिड्यूस कर देगी, वेट रिड्यूस करेगी, आप नीचे वाली कैटेगरी में खेलोगे. ठीक है, तो वो आप मेडिसिन ले ली, आपका वेट रिड्यूस हो गया, आप 70 से नीचे कैटेगरीज में आ गए हो. तो व्हाट हैपन, अगर आप अपने एक्चुअल वेट से रिड्यूस करके वहां पे वेट करा रहे हो, नीचे खेल रहे हो, तो उसमें आपको एक एज होगा. क्योंकि ये जो गेम्स होती हैं ये टोटली बेस्ड अपॉन द एज कैटेगरीज, वेट कैटेगरीज. ये नहीं है कि 80 किलो वाले को 100 केजी के साथ आप खिला दोगे या 50 केजी वाले को 70 के साथ खिला दोगे. 3, 4, 5 केजी का वेट से भी आपके कैटेगरी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है और उससे उसको बेनिफिट मिल जाता है प्लेयर को. इसलिए वो वहां पे ये ड्रग्स यूज करते हैं कि आपका वेट रिड्यूस हो जाए, आप नीचे वाली कैटेगरी में खेल लो. तो दीज आर द 5 मेन ड्रग्स दैट इज यूज बाय द इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, ड्यूरेटिक्स हो गया, नार्कोटिक्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया एंड स्टिमुलेंट्स हो गया. ये 5 आपके मेन ड्रग्स हैं जो यूज होते हैं. और इसके ऊपर जो मेन एजेंसी है दैट इज वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. ये आपको याद होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. नाउ टाइम इज ओवर बेटा, सॉल्व फॉर टुडे क्लास.